नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लखीमपुर खीरी निघासन दो बहनों की हत्या का मामला पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया, दुष्कर्म के बाद घटना को कुल 6 लोगों ने अंजाम दिया। नामजद छोटू सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार। एक अभियुक्त जुनैद की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी जुनैद के पैर में लगी गोली। सभी 5 अभियुक्त लालपुर गांव के। लालपुर गांव आरोपी परिवार से 5 किलोमीटर दूर। पोस्टमार्टम जारी, अगली विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम के बाद दी जाएगी। तुषार शुक्ला की रिपोर्ट। The guy जुनैद, they were individually friends. ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया, 1-on-1 सोहेल और जुनैद, इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं, डिटेल में जो भी आएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, आई कांट डाइवल्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती, परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं, वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में। नया